हीरोपंती 2 का ट्रेलर लगभग सभी ने देख लिया होगा और उससे जुड़ी वीडियो भी आप लोगों ने देख ली होंगी। किसी ने उसकी तारीफ की होगी, किसी ने उसकी बुराई की होगी, किसी ने कहा होगा कि ट्रेलर बहुत लंबा है, तो किसी ने ट्रेलर को बिना देखे ही जज किया होगा। तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, वैसे ये हमारा टॉपिक फिलहाल नहीं है। हम इस ट्रेलर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म की स्टोरी क्या होगी। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ट्रेलर शुरू होता है और ट्रेलर के शुरुआत में ही हमें बातों में ये बताया जाता है, साइबर क्राइम का मास्टरमाइंड लैला नाम का एक आदमी है जो सभी साइबर क्राइम करवाता है। अब जिनको साइबर क्राइम का मतलब नहीं पता उनको बता देता हूँ, तो साइबर क्राइम में एक्चुअली होता क्या है, जो हैकर्स होते हैं वो बड़े बड़े कंपनियों का डेटा चुराते हैं या फिर लीक करते हैं, जिनकी वजह से उन कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ट्रेलर के शुरुआत में भी यही हमें दिखाया जाता है कि साइबर अटैक किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हुआ है। और ट्रेलर के बीच में आते आते ये साइबर वाला सीन थोड़ा सा थम ही जाता है और एक्शन सीधा दिखाया जाता है। बाद में वो लव स्टोरी वाला थोड़ा सीन दिखाया जाता है और फिर इमोशनल वाला सीन भी दिखाया जाता है। अब इतनी सारी बातों को अगर हम कंबाइन करें और एक सीक्वेंस में लगाएं तो हमें एक स्टोरी मिल जाती है। तो चलो अब हम अंदाजा लगाते हैं कि स्टोरी एक्चुअली में क्या होगी। तो मूवी में सबसे पहले हमें दिखाया जाएगा कि किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट पे या फिर किसी एजेंसी पर साइबर अटैक हुआ है, जो किया है हमारे लैला भाई साहब के हैकर्स ने। और वो साइबर अटैक इतना खतरनाक होगा कि जिसको इंस्टीट्यूट के किसी भी आदमी को सॉल्व करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। तो ऐसे में एजेंसी के जो बड़े लोग होंगे वो सजेस्ट करेंगे कि बबलू भैया, जो भी एक बहुत बड़ा हैकर होगा, उसको बुलाएंगे। और हो सकता है कि यहीं पर हमारे हीरो का एंट्री सीन भी हो। तो सबसे पहले वो आएगा एजेंसी के पास और बहुत ही आसानी के साथ या फिर थोड़ी फार दिक्कतों के साथ हैकरों की छुट्टी कर देगा। पर लैला भाई साहब के आदमियों की छुट्टी करना लैला भाई साहब को थोड़ा पसंद नहीं आएगा और इस वजह से ये हैकर्स की दुनिया से निकलकर ये रियल लाइफ फाइट पे आ जाएंगे। और फिर ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा मास्टरमाइंड आ चुका है जो हमसे भी ज्यादा पावरफुल है। और धीरे धीरे करके लैला भाई साहब इसकी सारी कुंडली निकाल देंगे। जब लैला भाई बबलू की सारी कुंडली निकाल रहे होंगे तब वो किसी का मर्डर कर देंगे, अपने बबलू भाई के रिलेटिव्स का। तो उस वजह से हमारे बबलू भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो ठान लेगा कि अब तो लैला गया। और यहाँ से शुरू होगी फेस टू फेस हीरो विलन की स्टोरी, जहाँ से फिर ना कोई साइबर क्राइम होगा और ना ही कोई लव स्टोरी का एंगल। यहाँ सिर्फ होगी तो सिर्फ मार धाड़, और वो भी ऐसी वैसी वाली नहीं, जैसी कि हमें ट्रेलर में ही दिखाया गया है कि डायरेक्ट लैम्बोर्गिनी के साथ एक्शन, मतलब एक्शन बहुत धमाकेदार होने वाला है। और ये एक्शन और मार धाड़ इतनी बढ़ जाएगी ये कंट्री का मुद्दा बन जाएगा और उसको मिलिट्री पावर भी दे दी जाएगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर और जो बाकी सारी लास्ट में दिखाया जा रहा है वो इसी और इशारा करते हैं। तो ये जो कहानी मैंने बताई वो सिर्फ मैंने एक प्रेडिक्शन किया है कि ऐसी कहानी हो सकती है, जबकि रियलिटी में मैं कोई टाइम ट्रैवलर नहीं हूं, तो मुझे कुछ नहीं पता है कि स्टोरी होगी क्या। पर जो भी मैंने स्टोरी बताई जस्ट वो मेरे दिमाग से निकली है, जो सभी मुद्दों को मिलाकर बनी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह की हर ट्रेलर पर वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।